जी। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि अपवर्क के ऊपर टाइम को मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं अपने आर्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपका एक जो है आर्ट्स वाला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ठीक है क्लाइंट के साथ, और आपको जो है क्लाइंट ने परमिशन दी हुई है मैनुअल आर्ट्स को जो है ऐड करने की, तो उसको किस तरह किया जाता है क्विकली इस वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे। दो तरीके आपके पास हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने मैनुअल आर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कि आपका जो टाइम ट्रैकर है इधर, फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी एक अपवर का कॉन्ट्रैक्ट है जो रनिंग में ठीक है, ये आरली कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हम अपना जो आर्ट्स हैं उसको मैनुअली ऐड करना चाहते हैं। हाउ वी कैन ऐड, सो बेसिकली यू कैन सी हियर ऐड मैनुअल टाइम ठीक है, मैनुअल टाइम ऐड करना चाहते हैं, मैनुअल आर्ट्स ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास जो है डेट आ रही होती है, किस डेट को आपने वो काम किया है जो टाइम आप इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल डेट, यहाँ पे ये एक ही डेट दे रहा है मार्च, आज की डेट दे रहा है 18 मार्च की ठीक है, डेट दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने काम किया है एक हफ्ते पहले ठीक है, तो एक हफ्ते पहले तक की डेट इसके अंदर अवेलेबल होती है, तो वो यहाँ से आप नहीं देख सकते, टाइम ट्रैकर से नहीं देख सकते, लेकिन आप वो अपवर्क के वेब से देख सकते हैं राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल आज ही आपने वो काम किया तो आज ही ऐड करना चाहते हो, तो फिर यहाँ से आप अपनी आज की डेट सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम जोन, आपके पास दो टाइम जोन आ जाते हैं, यूटीसी और माइंड। ऑब्वियसली आप माइंड करेंगे क्योंकि आपने अपने टाइम जोन के अंदर वो काम किया होगा, तो आप उसको उस टाइम जोन के अंदर उस टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं राइट। हमने माइंड, हमारा जो टाइम है, माइंड का मतलब जो हमारा टाइम जोन है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन द इंडिया पाकिस्तान, तो आपका जो भी टाइम जोन होगा वो यहाँ पर आएगा ठीक है। उस स्टार्ट टाइम, आपने जिस भी टाइम को स्टार्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल सुबह 5 बजे 5 AM को आपने वो काम स्टार्ट किया था, जो काम जो आर्ट्स आप इसमें ऐड करने जा रहे हैं, और उसके बाद आपने उसे कंप्लीट किया था 6 को, एक घंटे आप इसमें 1 घंटा ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें यू कैन सी 1 आवर्स विल बी लॉग राइट। तो उसके बाद आप यहाँ पे मेमो देंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क डन, वो काम जो आपने डन किया है इस टाइम के अंदर वो क्या काम था, वो यहाँ पर आपने ऐड करना है। आप फॉर एग्जाम्पल जो भी कर सकते हैं, आपने कोई कंपेन्स क्रिएट किए, फेसबुक कंपेन्स क्रिएट किए हैं, मार्केटिंग का कुछ करा है, कॉपी राइटिंग कुछ करी है, एक्स वाई जेड जो भी आपने वो काम किया, सिंपल इज जेड आप यहाँ पे ऐड करेंगे और यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन, और इस तरह से आपका आर्ट जो है वो आपकी रिपोर्ट्स में आपकी जो पेमेंट है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल $10 आपका आर्ली रेट है, तो वो $10 आपकी उस वीक की पेमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा जिस वीक में आप उसको ऐड करने जा रहे हैं राइट। लेकिन यहाँ पर अभी हम दूसरा सिनेरियो बात कर लें, यहाँ पे तो एक डेट आ रही है वो आज की, अगर हमने वो काम एक हफ्ते पहले फॉर एग्जांपल हमने वो फ्राइडे को किया है, लास्ट फ्राइडे को किया, तो उसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हमारे पास हमें जाना होगा अपनी अपवर्क की प्रोफाइल में आना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में आना पड़ेगा आपको, देन यू हैव टू क्लिक जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप राइट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट विंडो के ऊपर ले जाता है, नेक्स्ट विंडो के पास आपको यहाँ पर आएगा ऑप्शन ऐड मैनुअली आवर्स राइट। ये लोड हो जाते तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ यू कैन सी हियर ऐड टाइम मैनुअली, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो अगेन वही सारा इंटरफेस जो हमने टाइम ट्रैकर के ऊपर देखा था यहाँ पर देखा था, वो यहाँ पर आपको शो होने लग गया है यहाँ पर, लेकिन आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आपको एक हफ्ते पीछे की भी सारी डेट्स अवेलेबल होती हैं। इफ़ यू डन द वर्क ऑन द March 11 राइट, March 11, 2024, एक हफ्ते पहले पीर को आपने ये काम किया था, लेकिन इससे ऊपर की आपको कोई डेट अवेलेबल नहीं है राइट। आपको मेक श्योर करना है जो भी आप टाइम को लॉक करने जा रहे हैं उसकी ड्यूरेशन जो होनी चाहिए वो आपके एक हफ्ते पुरानी हो सकती है, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती। तो सेकंड यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्च 11 को आपने काम किया ठीक है, टाइम जोन अगेन वही जो आपको टाइम जोन रखना है, माई टाइम जोन राइट, तो स्टार्ट डेट फिर वही अगेन और एंड डेट एंड टाइम और स्टार्ट टाइम रहोगी। तो आपने जिस भी टाइम को स्टार्ट किया था, जिस भी टाइम को एंड किया था, और अगेन मेमो दे देना जिस भी काम को ऊपर आपने उस आर को स्पेंड किया है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे आपने ऐड कर देना ताकि आपका क्लाइंट पढ़ सके उसको ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल सेव के ऊपर क्लिक कर देना, इस तरह आपका जो आर है, इस तरह आपकी पेमेंट जो है आपके पे आउट के अंदर ऐड हो जाएगी और आपको रिसीव हो जाएगी। आई होप इसको की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि अपवर्क के ऊपर मैनुअल टाइम को किस तरह ऐड किया जाता है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।